अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उर्दू हाई स्कूल की जब से बुनियाद रखी गई पहली बार हो रहे हैं इलेक्शन बच्चों के, तो पूरी जानकारी वीडियो में आपको हम देने वाले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में अपने शेयर करना चाहिए, लास्ट तक बने रहना चाहिए। चलते हैं दोस्तों यहाँ के जो लीडर से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। ये देखिए जो आपको सामने नजर आ, क्या नाम है आपका? मोहसिन खान। आपका क्या नाम भाई? शेख अब्राम। मोहम्मद साद। अच्छा, जब तो दोस्तों हर एक नेता से हम बात करेंगे वीडियो में, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। स्कूल में डिसिप्लिन नहीं है, वो डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे। मस्ती करते हैं, मतलब इसमें कोई मजा नहीं सर। पढ़ो लिखो कुछ बनो, खेलने के टाइम पे खेल, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, ऐसा ही नहीं कि बस पढ़ो खेलो, दोनों भी करो सर। अच्छा, आप क्या बोलना चाहिए सर? डिसिप्लिन जो है तो बनाने की कोशिश करेंगे, और जो कचरा कीचरा करते हैं बच्चे क्लासेस में, कचरा करते हैं उसका डिसिप्लिन करेंगे। अच्छा, तुम्हारी निशानी क्या है? हमारी क्या सर? स्टार। आपकी निशानी? आपके बैट है, फुटबॉल इनका है और बैट इनकी है। तो आप क्या बोलना चाहिए? हमारा तो यही कहना है, मतलब जो बच्चे को परेशानी होती है, मतलब बच्चा जाता है मतलब मुनीर सर के पास, अब मुनीर सर के पास जाता है बच्चा, तो मतलब उनको कोई चपरासी कीपरासी नहीं जान देता है, वो बच्चा नहीं मेरे पास आना, मैं उसकी जो प्रॉब्लम है जो सिचुएशन है मैं वो समझ के मुनीर सर के पास मैं उसका हर चीज़ लेके जाऊँगा। मैं बोलूँगा सर ये बच्चे का ऐसा है वैसा है, बोनाफाइड जो है सर इस पर सिग्नेचर मार के दो, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो आप क्या बोलना चाहिए? जी हम ये कहना चाहेंगे कि उस्ताद की इज्जत करो, पढ़ो लिखो, और जो गंदगी होती है गंदगी का ये करो, साफ सफाई रखो, बस सर। तो आपकी जिसकी इसकी निशानी है जो आप दोस्तों उर्दू हाई स्कूल में जो हम पहुंचे, जूनियर कॉलेज उर्दू हाई स्कूल में यहाँ पहुंचे, तो पहली बार इतिहास में जो इलेक्शन हो रहे हैं उर्दू हाई स्कूल में बच्चों के दरमियान में, तो इसमें हम नवीद सर से बात करें, माजिद सर से बात करें, यहाँ के प्रिंसिपल मुनीर सर से बात करने वाले, वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले आसिफ सर से बात करने वाले। तो बने रहे दोस्तों, पूरी जानकारी वीडियो में आपको हम देने वाले। यहाँ वोटिंग बूथ बनाया हुआ है, तो इसमें पूरी जानकारी वीडियो में आप बने रहना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करने वाले, देखो दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करिए, और फिर उस तरह मुनीर सर से भी बात करें, यहाँ के प्रिंसिपल सर से, आसिफ सर से, मोइस सर से भी बात करने वाले, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले। बने रहे हमारे साथ अजंता न्यूज़ पे। तो अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। लोकशाही का त्यौहार जो पहली बार उर्दू हाई स्कूल नेहरू मैदान में बनाया जा रहा है, सभी बच्चों वोटिंग कर रहे हैं। 9वीं A का जो इलेक्शन हो रहा है उर्दू हाई स्कूल में, तो सभी बच्चे वोटिंग कर रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारे साथ नवीद सर भी है, नवीद सर से हम बात करेंगे, इलेक्शन का प्रोग्राम रखे, तो क्या बोलना चाहिए नवीद सर इसके बारे में? हमारे स्कूल में CR और SR चुनने के लिए इतिहास में पहली मरतबा इलेक्शन हो रहा है, तो आज हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब की जानिब से आज का दिन मुकर्रर किया गया था, तो उसी के ज़िम्मे में यहाँ पर ये एक बूथ है हाई स्कूल का। अच्छा, कितने नंबर बूथ है? कितने? ये पहला बूथ है जिसमें 8वीं से लेकर 10वीं जमात के लड़कों का मतदान यहाँ पर जारी है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, और ये मतदान कक्ष बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ वोटिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ जो वोट डाले, सारे तरीके बताया जा रहा है, जिस तरीके की वोटिंग होती है उसी तरीके से यहाँ वोटिंग कराई जा रही है। देखिए, और जिस तो ये चिट्ठी भी डाली जा रही है वोटिंग की, देखिए एक नंबर बॉक्स है, तो इस तरफ देखिए सभी नाम हो रहे हैं। तो चलते दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों सभी बच्चों को, तो यहाँ माजिद सर है, थोड़ा माजिद सर से भी इंक्वायरी करेंगे। यहाँ माजिद सर क्या बोलना चाहिए आज जो पहली बार इतिहास में जो उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में जो इलेक्शन का प्रोग्राम रखेगा उसके में? ये लोकशाही का सबसे बड़ा त्यौहार है इलेक्शन, जिसके अंदर लोग अपने उम्मीदवार चुनते हैं, तो नेहरू मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल अजंता की तारीख में पहली मरतबा ये त्यौहार मनाया जा रहा है।
जिसके अंदर बच्चों को एसआर और सीआर बनाया जाएगा और उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और जैसा इलेक्शन होता है उसी माहौल में यहाँ पर बनाया जाएगा। तो चलते दोस्तों, यहाँ आपको पूरी जानकारी देते हैं। हाँ, प्रिंसिपल सर है उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के, प्रिंसिपल मुनीर सर। और यहाँ हमारे उस्ताद आसिफ सर, उनसे बात करें। क्या बोलना चाहिए सर, आज जो पहली बार इतिहास में जो अभी तक हिस्ट्री के टाइम पे इलेक्शन हुआ नहीं, इस तरीके का इलेक्शन जो आज करा रहे इलेक्शन उर्दू हाई स्कूल में, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि वक्तन फ़ौक्तन आप हमारे स्कूल में आकर विजिट देते हैं और हमारे तलबा तालिबात की हिम्मत अफजाई करते हैं। आज हमारे स्कूल की तारीख के अंदर पहली मरतबा ये इलेक्शन होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं किस कदर बच्चों के अंदर जोश व खरोश पाया जा रहा है। ये इलेक्शन हमने एसआर और सीआर बोलकर इलेक्शन ले रहे हैं। एसआर मतलब स्कूल रिप्रेजेंटेटिव और सीआर मतलब कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव बोलकर लड़कियों में से 6 तलबा और तालिबात को मुंतखब कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि ताकि बच्चों के अंदर एक इलेक्शन के ताल्लुक से शऊर पैदा हो, इंतखाबात किस तरह होते हैं, वो प्रोसेस कैसा होता है। आप देख रहे हैं कि हमने पूरा पोलिंग बूथ बनाया है, उसके अंदर पीआरओज वगैरह बनाए, केंद्र अध्यक्ष बनाए हैं, पी1 बनाए हैं, PO2 बनाए हैं, एजेंट्स बनाए हैं और जो तो मतदान PT वगैरह, टोटल जिस तरह से प्रोसेस होता है हमारे इंतखाबात में उस तरह की हमने पूरी कोशिश की है। और ये तमाम काम जो है तो हमारे स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब सैयद मुनीरुद्दीन साहब इनके रहनुमाई में कर रहे हैं। सर की ख्वाहिशात है कि इस तरह के अमल हमारे स्कूल के अंदर 12 हो, नए नए तालीमी और जो है तो तामीरी काम स्कूल के अंदर हो। हम लोग सर का पूरा साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदे भी देते रहेंगे। और आपसे भी हमारी दरख्वास्त है, वक्तन फ़ौक्तन जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़े तो आप हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बच्चों का हौसला अफजाई करने उर्दू हाई स्कूल में पहुँचा करूँगा कि जब भी मेरे को टाइम मिला, जब भी मैं इंशाल्लाह ताला पहुँचने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलते अभी पहले आपको पूरी जानकारी देते हैं, फिर प्रिंसिपल सर से हम बात करने वाले हैं। तो उर्दू हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल सर के पास हम एंट्री कर रहे हैं, तो सर से हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ का आपको थोड़ा नज़ारा भी बता देते ऑफिस का। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जो पहली बार मैं देख रहा क्या इतिहास में, अभी तक जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है, जब से पहली बार इलेक्शन हो रहे स्कूल में जो कि बच्चों के ताल्लुक से, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। गवर्नमेंट का GR है, इलेक्शन स्कूल में लेना है, बच्चों को फैमिलियर कराना है, बच्चों को इलेक्शन के बारे में मालूमात देना है, कैसे इलेक्शन होते हैं, हमारे संविधान में इलेक्शन किस तरह से मुनाकिद किए जाते हैं, जमहूरियत क्या है, जमहूरियत का मतलब बच्चों को समझना है। तो इसी से ये टीनेज से ही 7वीं 10वीं और 12वीं से हम कैंडिडेट्स खड़ा किए ताकि बच्चों को जो भी मसाइल आए, वो बच्चा आना स्कूल में हेडमास्टर के पास, सुपरवाइजर साहब के पास, ये उनके जो भी मसाइल है पेश करना, हम उनको उनके जो मसाइल हैं वो बहुत ही खुश हसमी भी सहल करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों को अंदर जो जिज्ञासा है, जो जस्तजू पैदा हुई है, वो काबिल तारीफ़ है। स्कूल 1964 का है, उसके बाद से पहली दफ़ा ही हमारे जहन में ख्याल आया कि हमें इलेक्शन देना है, बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा करना है इलेक्शन का। यहीं से लीडरशिप क्वालिटीज़ स्कूल से ही पैदा होती है। जो बच्चे, हर बच्चा तो पढ़ता लिखता नहीं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे डॉक्टर बने, सब बच्चे इंजीनियर्स बने, सब बच्चे अलग अलग पोस्टों पर जाए। ये बच्चों में, कुछ बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती है, वो क्वालिटीज़ कैसे डेवलप की जाती है, इन्हें बच्चों को बातचीत का अंदाज़ आता है, किस तरीके से वोटर्स को रिझाना है, फ्यूचर में अगर कोई लीडर बनता है तो किस तरीके से बच्चों को समझाता है, लोगों को समझाता है, वोट किस तरीके से हासिल करता है, उसके पॉजिटिविटी जहन की, मुस्बत जहन उसका मालूम होता है। इस ये तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम इलेक्शन मुनाकिद किए हैं ताकि बच्चों को सहूलत हो सके। तो माशाल्लाह, यहाँ हमने मुनीर सर से, प्रिंसिपल से, सर से बात की। चलते दोस्तों, यहाँ सर से हम बात करेंगे। सब बच्चों ने तालीम हासिल करके गए यहाँ से, अभी तक इतिहास में यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, आपने जो इलेक्शन कराया, तो कैसी क्या सोच है आपकी ये इलेक्शन कराने की बच्चों के उसमें? अब इसका इलेक्शन लेने का यहाँ मकसद ये है कि बच्चों के अंदर इलेक्शन के कारण भी शऊर पैदा हो। अच्छा, और पूरा जो ओरिजिनल प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से बच्चों को गुजारा जा रहा है ताकि बच्चों को मालूम पड़े कि जिम्मेदारियाँ कैसे संभाली जाती है, वोट कैसे दिया जाता है, वोट किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये तमाम तर शऊर इलेक्शन को लेकर उनके अंदर पैदा हो। इसलिए इलेक्शन यहाँ पहली बार हमारे सर के, हमारे इदारे के प्रिंसिपल सैयद मुरदीन साहब की रहनुमाई में
ये इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर हमने अरेंज किया ताकि बच्चों को इससे वाकिफ हो सके। तमाम का तय दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो इसका सर रिजल्ट कब है इसका इलेक्शन का? जब रिजल्ट ये डेढ़ बजे का कोलिंग है, डेढ़ बजे के बाद फिर तो एक घंटे का बच्चों के लिए इंटरवल रखा गया है ताकि वो फ्रेश हो जाए। उसमें ढाई बजे काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग खत्म होते रिजल्ट देने का देगा। तो दोस्तों बने रहे हमें काउंटिंग पे, और जो रिजल्ट चुन के आएंगे यहाँ इलेक्शन में, जो लीडर चुन के आएंगे उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। बने रहे हमारे साथ अजंता न्यूज़ पे। दोस्तों हमने सर से भी, तो दोस्तों उर्दू स्कूल में बच्चों के दरमियान इलेक्शन हो रहे हैं, जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनकी निशानी जो सामने आपको नज़र आ रहा है, टीवी नज़र आ रही, रोलर नज़र आ रहा, पंखा नज़र आ रहा, बाइक नज़र आ रही है, तो पूरी जानकारी वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। मुनीर सर से भी हमने बात करे, आसिफ सर से भी बात करे, माजिद सर से बात करे, नवीद सर से भी बात करे, हमने अपने वीडियो में देखिए मुनीर सर से, जो मोहित सर से भी बात करे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। जो कैंडिडेट यहाँ खड़े हुए उनसे भी हम बात करने वाले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, भाइयों में, अपने ग्रुपों में आपने शेयर करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं ये वोटिंग के लिए यहाँ खड़े हुए, तो सामने आपको नज़र आ रहा, तो यहाँ कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करने वाले, जो कैंडिडेट खड़े हुए उनका नाम आपको बताने वाले, पूरी जानकारी वीडियो में आपको हम देने वाले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। बने रहे हमारे साथ, अजंता न्यूज़ पे एक समाज सेवा चैनल है, तो पूरी जानकारी वीडियो में आपको हम देने वाले, कैंडिडेट का नाम आपको बताने वाले। तो चलते दोस्तों कैंडिडेट से मुलाकात कराते, जो इलेक्शन में उर्दू हाईस्कूल में खड़े हुए उनसे आपकी मुलाकात कराते हम। यहाँ हमारे साथ सर है, यहाँ सामने जो नज़र आ रहा है आपको, तो बने रहे दोस्तों पूरी जानकारी आपको हम देने वाले अजंता न्यूज़ पे। आठवीं से लेके दसवीं जमात तक, तो दोस्तों यहाँ जो खड़े हुए इनके राय हम पूछिए। क्या अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। पूरा नाम बोलो। पूरा नाम आयशा अहमद खान। अच्छा अहमद खान, आपकी कौन सी निशानी पे खड़े हैं? कपाट। कपाट पे क्या करना चाहते हैं स्कूल में? सर वो जो बच्चों का कहना है वो मानेंगे, और मुनीर सर के पास जाके बात पेश करेंगे उनकी, उनका जो भी कहना है वो मानेंगे। अच्छा, और सर के पास जाके शेयर करेंगे। उनकी बड़ी बहन जैसे मुझे बोल सकते हो, सर को नहीं बोल सकते हर बात, इसकी वजह से मैं जाके सर के पास शेयर करूँगी। अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? अच्छा क्या करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं आप खड़े, कौन सी निशानी है आपकी? अच्छा क्या करना चाहते हैं आप इलेक्शन में खड़े? अच्छा बेटा आपका नाम क्या? अच्छा तो क्या कर रहे हैं, क्या निशानी है आपकी? रोलर निशानी है। रोलर से क्या करना चाहेंगे आप? अच्छा, और जो बच्चे की डिमांड है, जो उनके अम्मी अब्बू को नहीं बोल सकते हमको बोल सकते बात। अच्छा तो आपका नाम क्या है? अच्छा तो आपका क्या निशानी है? घड़ी। घड़ी तो आप क्या टाइम बताएंगे घड़ी से कि क्या करेंगे? नहीं मतलब जो बच्चे की ख्वाहिश है वो भी पूरी करेंगे, और सरकार ने फरमाइश जाएंगे जो बच्चे हम बोलेंगे। तो अच्छा क्या नाम है आपका? शाबाश शेख सईद। अच्छा आपकी क्या निशानी? मोटरसाइकिल। निशानी है। अच्छा क्या करना चाहते हैं आप स्कूल के अंदर, क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? हम देखना चाहते हैं हमारे स्कूल में लाइब्रेरी बने, हर चीज वो हो जो नहीं हो रही, और वो बच्चे हमको आके बोले और हम सर के पास उनकी डिमांड। डिमांड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमैया शेख सही। अच्छा आपकी क्या निशानी है? मेरी निशानी है फोन। फोन, अगर आप स्कूल में अगर चुन के आ गए तो आप क्या करना चाहेंगे? और बेहतर बनाना चाहेंगे, कुछ जो नहीं होते प्रोग्राम उन्हें रखवाना चाहेंगे, जैसे अभी कुछ वो नहीं हो रहे कैंटीन के वो वगैरह नहीं हो रहे, तो वो रखना बोलेंगे मुनीर सर के पास। बच्चों की डिमांड है कहीं घूमने जाना करना, लैब खोलना अच्छी बड़ी, तो ये डिमांड हमारी क्या पूरी होगी। तो सलाम बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा क्या आपकी निशानी क्या है? हमारी निशानी टीवी है। टीवी। आप क्या करना चाहेंगे यहाँ स्कूल के लिए? ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये थे दोस्तों कैंडिडेट जो उर्दू हाई स्कूल में खड़े हुए थे यहाँ वोटिंग में। तो ये निशानी, जिसकी उसकी निशानी भी आपको हम बता देते, इस तरफ देखिए आने वाला है दोस्तों, थोड़े टाइम में रिजल्ट आने वाला है, तो बने रहे दोस्तों पूरी पूरी जानकारी देने वाले। उर्दू हाई स्कूल में जो इलेक्शन है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। ये देखिए थोड़े टाइम में रिजल्ट आने वाला है, अभी थोड़े टाइम में रिजल्ट आने वाला है, बने रहे हमारे साथ दोस्तों पूरी जानकारी आपको हम देने।
तो दोस्तों उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर मुनीर सर के हाथों से उद्घाटन हो रहा है, पेटी खुल रही है, अभी देखते हैं दोस्तों कौन चुन के आता कौन नहीं इसके बाद के पार्ट में।